मतलब अंदर रहते हुए भी निश्चिंत हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है अलबेला, ये पता है लेकिन गफलत कर रहे हैं, तो इसको बाबा कहते हैं बहुत खतरनाक है। अब अलबेलेपन का क्या कारण होता है, सोचने की बात। अलबेलेपन का एक ही कारण है कि हमें समय की सावधानी को आप देख लो, बाबा ने हमको बताया हुआ है कि समय थोड़ा ना थोड़ा है, अब थोड़े से थोड़ा, जिसको बाबा की उंगलियों में क्या शब्द आते हैं, बाबा के क्या शब्द हैं, बहुत गई, अब तो याद आ गया, बहुत गई थोड़ी रही, और उसके आगे क्या है, थोड़ी की भी थोड़ी रही। और ये तो हुआ टोटल टाइम, मेरा टाइम कितना, कोई ये बता सकता है कि मेरे लिए संगम का कितना टाइम बचा अपने लिए, नहीं। और हम रोज देख रहे हैं समाचार आ जाता है, आज फलाना मगर थी यहाँ से चला गया, तो हम भी जा सकते हैं। हम लोग रोज जब अखबार देखते हैं उसमें एक पूरा पेज होता है जिसमें बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं तरह तरह के लोगों के, इसे लिखा होता है इसने शरीर छोड़ दिया, इसका चौथवा पुराने दिन है, तो आप उसको देख के क्या सोचते हैं, या कभी किसी को शमशान घाट छोड़ने चले जाओ तो क्या सोचते हैं, अपना सोचते हैं अरे क्या रखा है दुनिया में, है मेरे साथ भी ये होना है, ना क्या कहते हैं, कुछ नहीं है दुनिया क्या ले गया बेचारा साथ, और आधे घंटे बाद ये सोचने लग गए थे देखो तो सही बेचारा क्या छोड़ गया हमारे लिए। बाबा की एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है
जैसे लंगर लगता है ना, तो लंगर में बहुत सारा स्टॉक रखते हैं कि आते जाओ लेते जाओ कि भूखा ना जाए। तो आपको रोटियों का लंगर नहीं लगाना है, लेकिन जो मनुष्य आत्मा को उस समय चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को संतोष चाहिए, किसी को धैर्य चाहिए, उसका हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। तो उस वक्त आपको जब लंगर में देंगे तो आपको सोने का टाइम भी नहीं मिलेगा, ये बाबा की मुरली है। फिर बाबा कहते क्या होगा, आपको सोने का टाइम